हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सब परमेश्वर का धन्यवाद आज के दिन के लिए जो परमेश्वर ने आज का दिन बनाया है। आज आशीष का दिन है। सब परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। होरी बाला बाबा रा सखा बाबा रे बेरी रिबित बेरी रिबित रिबित के रिबा होरी बाना सखा बाला ला बाला 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 रा बारी रिबी रिबी। ओ लॉर्ड जीसस धन्यवाद मेरे परमेश्वर जी, धन्यवाद मेरे पिता मेरे परमेश्वर। हालेलुया। सो आए हम परमेश्वर के पवित्र वचन में से देखेंगे प्रेरितों की पुस्तक 16 अध्याय और उसका 25 वचन से लेकर 34 वचन तक हम लोग इसे देखेंगे। हालेलुया। लेकिन आप एक बात कहें, सब ठीक है, सब ठीक होगा। ठीक मतलब कुशल है, कुछ एरिया में नहीं समझते वो लोग, ऐसा कहें सब कुशल है, सब कुशल होगा। आप मेरे पीछे बोलिएगा, सब कुशल है, सब कुशल होगा। हालेलुया। सब ठीक है, सब ठीक होगा। सब कुशल है, सब कुशल होगा। सब कुशल है, सब कुशल होगा। हालेलुया। ओरी बारा साखा बरोसी बिनी निमित गिरी रिब री साखा बरोसा बनी मित गिरी रिबी। तो हम जो यहां पर हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं, आपको इस पूरी घटना का पता है, आप जानते हैं इस घटना को कि पलूस और सलास जेल के अंदर बंद थे। जब वो आराधना कर रहे थे तो एक बड़ा भूकंप आया और बंदीगृह की नींवें हिल गई। और जिसका ध्यान मैं आपकी ओर खींचना चाहता हूं, दरोगा जाग उठा और बंदीगृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए। उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, अपनी तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा उसने। लेकिन जब परमेश्वर के दास ने उससे कुछ बातें की और उन बातों पर उसने ध्यान दिया, उन बातों पर उसने विश्वास किया, तब जो रोना और विलाप होने वाला था वो खुशी और आनंद में बदल गया। हालेलुया। तो आज मैं परमेश्वर का दास होता हुआ आज से कहता हूं, बस अब ये कहें सब कुशल है, सब कुशल होगा। हालेलुया। जैसे यह पर हम लोग देखते हैं जो जेलर था, जो दरोगा था, जो जेलर था, जो जब भूकंप आया तो वो अपने मन में उसने सोचा, जब पूरी नींव हिल गई, बंदीगृह के नींव हिल गई, जो बंदी थे कैदी थे उनके बंधन खुल गए, तो उसके गेट खुल गए जेल के। यहां लिखा है दरोगा जाग उठा और बंदीगृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं, कैदी भाग गए हैं। हालांकि कैदी भागे नहीं थे। पलूस और सलास कहते हैं, ना अपने आप की कुछ हानि ना पहुंचा क्योंकि हम सब यही हैं। अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा क्योंकि हम सब यही हैं। हम सब यही हैं, सब ठीक है, कुछ नहीं बिगड़ा अभी तक। तो जेलर ने अपने मन में यह सोच लिया था कि ओ अब तो इस अचानक आए भूकंप से अब तो सब कुछ खत्म हो गया, सारे कैदी भाग गए। वो समझा, अपने दिमाग में सोचने लगा, एकदम उसमें अपने दिमाग में सोचा। अभी अंदर चलकर उसने देखा नहीं क्या हाल है क्या नहीं है, लोग बैठे हुए थे, असल में कैदी वहीं थे कमरों में, गेट खुले देखकर उसने ये सोचा, समझा अपने दिमाग में कि कैदी तो भाग गए, कैदी तो है ही नहीं है। अब जो बड़े अधिकारी हैं उनको मैं क्या जवाब दूंगा, राज्यपाल को जो शासक था उसको मैं क्या जवाब दूंगा, राजा को मैं क्या जवाब दूंगा, वो तो मेरे मुझे कत्ल करवा देंगे, वो तो मुझे पेड़ के ऊपर उल्टा लटका देंगे, सुबह से लेकर रात तक लटकाए रखेंगे और उसके बाद मुझे मेरा गला काट देंगे, मार देंगे, मुझे कत्ल कर देंगे, मुझे सजा दी जाएगी,
और मुझे बैंत मारे जाएंगे और मेरा पांव काठ में ठोक दिया जाएगा, जहां मुझे दुख दिया जाएगा, पीड़ा दी जाएगी और उसके बाद मार दिया जाएगा। उसके दिमाग में ऐसी बहुत सी बातें आने लगी और वो सोचने लगा इतना कष्ट देंगे और सब लोग इकट्ठे होंगे मुझे और मुझे सबके बीच में कहेंगे देखो इसने सारे कैदी भगा दिए, इसने पैसे लिए होंगे, इसने रिश्वत ली होगी। और वो सोचने लगा मेरे जो बच्चे हैं, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे, मुझे तो वो मार देंगे, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे क्या सोचेंगे? और वो जब मेरी पत्नी बाहर जाएगी तो लोग यही कहेंगे कि इसका पति जो था वो गद्दार था, देश का गद्दार था वो, क्योंकि उसने पैसे लेकर कैदियों को छोड़ दिया था और इसलिए उसे कत्ल कर दिया गया, मौत की सजा उसे मिली, फांसी की सजा उसे दी। तो वो सोचने लगा अरे मेरी पत्नी क्या सोचेगी, और जब बच्चे इधर उधर जाएंगे बाहर निकलेंगे तो सब लोग और रिश्तेदार और सब उसके भाई बहने और परिवार के लोग सब क्या सोचेंगे, क्या मुंह लेकर बाहर निकलेंगे कि ये ऐसा व्यक्ति था। क्योंकि हम लोग यहां पर जब हम देखते हैं परमेश्वर के पवित्र वचन में से प्रेरितों के काम में ही हम लोग जब देखते हैं तो क्या है, जब पत्रस को जेल में से परमेश्वर ने छुड़ा लिया था, हम लोग फिर वहीं पर आएंगे, लेकिन आपको एक ये बात बता दूं, प्रेरितों का 12 अध्याय उसका 18 और 19 वचन, जब पत्रस को जेल में से बाहर निकाल दिया था स्वर्गदूत के द्वारा, परमेश्वर ने छुड़ा लिया था, तो क्या हुआ था? भोर को सिपाहियों में बड़ी हलचल मच गई कि पत्रस का क्या हुआ, किसी को पता ही नहीं, अपने आप ही जंजीरें खुल गई, अपने आप ही गेट खुल गए और परमेश्वर से बाहर ले गया वो छुड़ाकर, किसी को पता नहीं। जब हेरोदेस ने उसकी खोज की और ना पाया, जो हेरोदेस था शासक था, जो जब उसने खोज की और उसे ना पाया तो पैरों की जांच करके आज्ञा दी कि वह मार डाले जाएं, पैर हुए कि मार डाले जाएं। तो जो पैरा दे रहे थे ना, आपको मालूम है कि वो चार पैरों में था, ठीक है, और दो सिपाहियों के बीच में सो रहा था, तो वो पैर हुए को मार डाला गया और उन पैरों पर यही इल्जाम लगाया होगा कि इन्होंने पैसे लेकर क्या कर दिया है, पत्रस को छोड़ दिया है। तो ऐसे ही कुछ दिनों की ही तो घटना है, 12 अध्याय में जो घटना हुई है, और इसने सोचा कि मुझे भी क्या करेंगे, ये जो राजा है, जो शासक है, वो मुझे मार देगा, मेरा कत्ल करेगा और मेरे माथे पे एक धब्बा लग जाएगा, किसने पैसे लेकर कैदी छोड़ दिए, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरे परिवार के लोगों के माथे पे एक धब्बा लग जाएगा कि इसने पैसे लेकर छोड़ दिए। और अपने दिमाग में सोचने लगा कि मेरी पत्नी बाहर जा रही है और लोग कह रहे हैं देखो गद्दार की पत्नी जा रही है, इसने पैसे लेकर इसको छोड़ दिया था, मेरे परिवार के लोग, और वो अपने दिमाग में सोचने लगा और ऐसे तंग होकर मेरी पत्नी तो आत्महत्या कर रही है और ऐसे तंग होकर हमारा परिवार तो ऐसा हो गया, कोई भी रिश्तेदारी में, ब्याह में, शादी में मेरे परिवार को कोई नहीं बुला रहा, क्योंकि सब लोग कहते थे ये तो गद्दार हैं, इनके पति को, इसके पति को इसलिए सजा मिली क्योंकि उसने पैसे लेकर छोड़ दिया था कैदियों को। ऐसा अपने दिमाग में उसने समझा और उसने कहा इससे अच्छा है कि ये सब बातें हो, मैं क्या करूं, अपने आप को ही तलवार से मार देता हूं। तब उसने अपनी तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, ऐसे अपनी तलवार खींची और खींचकर ऐसे अपने मार, जैसे ऐसे अभी किया ही है मारने के लिए। तब परमेश्वर के दास ने कहा अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, हालेलुया, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, हम सब यही हैं, सब ठीक है, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, सब ठीक है। परमेश्वर के लोगों, आज मैं जो आपसे कहना चाहता हूं वो ये कहना चाहता हूं कि आप अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचाओ, यह लिखा है अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा,
मैं आपसे कहता हूं अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, सब ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। हालेलुया। आज इस महामारी के कारण लोग अपने दिमाग में बहुत कुछ सोच रहे हैं, हाय हमारा क्या होगा, इस अचानक आई आर्थिक मंदी के कारण हाय हम तो बर्बाद हो गए, हमारे ऊपर तो कर्जा हो गया, हो कर्जे वाले मांगने आएंगे, हमारा क्या होगा, जब वो गेट पे आकर बोलेंगे हमारे पैसे दो, कर्जा है तेरे ऊपर, तो क्या होगा, हमारी बेइज्जती हो जाएगी, लोग क्या कहेंगे। अपने दिमाग में ऐसी बातें सोचते हैं, अपने दिमाग में ही। लेकिन आज जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनिएगा कि सब ठीक है, सब ठीक होगा, सब कुशल है, सब कुशल होगा। हालेलुया। इसमें कोई शक नहीं है, अचानक इस महामारी के कारण आपकी योजनाएं नष्ट हुई हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आप लेकिन आप ऐसा दिमाग में ये सोच सोच कर कि हाय हमारी तो नौकरी गई, हाय हमारी तो जॉब छूट गई, हाय हमारी तो नौकरी छूट गई, हाय हमारे तो आर्थिक तंगी आ गई, हाय हमारी तो बिजनेस खत्म हो गया, ऐसा ही बातें सोच सोचकर निराश होकर निराशा में चलकर अपने आप को रोगी ना करें, आप ऐसे निराशा में जाकर अपने आप को बर्बाद ना करें, ऐसी निराशा में जाकर ऐसी निराशा भरी बातों को सोचकर अपने आप की हानि ना करें। मैं परमेश्वर का दास होता हूं आपसे कहता हूं अपने आप की हानि ना करें, सब कुशल है और सब कुशल हो जाएगा, सब कुशल हो जाएगा परमेश्वर के नाम से। हो सकता है इस अचानक आए भूकंप से, अचानक आए इस महामारी से, अचानक आए इस पीड़ा से आपकी पढ़ाई पर असर हुआ हो, हो सकता है आप कोई उच्च शिक्षा के एग्जाम देने ही वाले थे, आईएएस के या आईपीएस के आप बड़े अफसर बनने ही वाले थे, या कोई और बड़े अधिकारी आप बनने ही वाले थे, आप टॉप करने ही वाले थे कि चांद किस महामारी के कारण आपकी योजना जो है वो नष्ट हो गई। आप बस आपको नौकरी मिलने ही वाली थी, आपको जॉब लगने ही वाली थी, आपको बुला लिया था कि ठीक है इतनी तारीख को आ जाना, और अचानक ये आई महामारी और अचानक आई इस संकट के कारण वो आपकी योजना नष्ट हुई। अचानक इस आए हुए संकट के कारण का आपको काम नहीं मिला, हम लोग देख रहे हैं काम बंद हो गए एक बार तो, और आप पर कर्जा आपको महसूस हो रहा है, कितने ही मजदूरों को सफर करना पड़ा इधर से उधर, उधर से इधर, कितने ही मजदूर पैदल चलते रहे और कितना कुछ हुआ, कितने ही लोगों को अपने परिवार से 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया गया, अलग किया गया, अपने इतनी दूर चलकर भी अपने परिवार से नहीं मिल पाए, हालत बहुत नाजुक रहे। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा जान है तो जहान है, प्रभु का शुक्र है कि आप जीवित हैं, अगर आप जीवित हैं तो आपके लिए सब कुछ फिर से पूरा हो जाएगा, अगर आप जीवित हैं तो आपके लिए सब कुशल होगा, आप कुशल हैं और आपके लिए सब कुशल हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। सो मैंने देखा एक अखबार में, न्यूज़पेपर में, कि इस बीमारी के, इस कोरोना के भय से किसी ने आत्महत्या कर ली,
लेकिन बाद में जब उसकी रिपोर्ट आई, वो रिपोर्ट नेगेटिव थी, उसको तो कोरोना हुआ ही नहीं था। तो ऐसे ही जेलर की तरह अपने दिमाग में उसने सोच लिया, हाय मुझे कोरोना हो गया और मुझे पकड़ कर लेकर जाएंगे वहां पर, मुझे रखेंगे, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, अपने दिमाग में सोच सोच कर ही वो क्या हो गया, उसने वो कर लिया, आत्महत्या कर ली। अभी जब दिल्ली की घटना थी, जब तो एक जवान ही लड़का था, उसको सीधा ही हॉस्पिटल जब लेके गए तो उसने ऊपर से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली, और बाद में रिपोर्ट उसकी आई वो नेगेटिव थी, उसको कोरोना हुआ नहीं था, लेकिन ऐसे ही जान दे दी उसने। ऐसी कई घटनाएं हम लोग देखते हैं, अंधेरे में ही अपनी जान खत्म कर देते हैं, कुछ नहीं बिगड़ा, हिम्मत रखें, सामर्थ्य बने। परमेश्वर ने आपको अगर जीवित रखा है तो परमेश्वर की योजना है आपके लिए कुछ। अगर ये पीड़ा के दिन, ये संकट के दिन आए हैं, अगर आप ये कहेंगे मेरी बात को मानकर कि सब कुशल है और सब कुशल हो जाएगा, निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में कुशलता देंगे। मुझे कई लोगों ने बताया, इंडिया के बाहर के लोगों ने, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जिनको परमेश्वर हॉस्पिटल से भी बाहर निकाल कर ले आई। ऐसे लोग भी थे जिनमें सैकड़ों लोग जो थे एक ग्रुप में थे, उनकी रिपोर्ट जो थी वो पॉजिटिव आई, लेकिन जिनके लिए प्रार्थना की गई उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई। परमेश्वर ने लोगों को मौत के मुंह से बचाया। अगर परमेश्वर ने आपको बचाया है तो इसके लिए परमेश्वर की कोई ना कोई योजना है। हालेलुया। इस आर्थिक मंदी के कारण आप निराश ना हो, अपनी कुछ हानि ना करें, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक होगा, सब ठीक है, सब कुशल है। अगर जॉब छूट गई है, नौकरी छूट गई है, कोई बात नहीं, सब कुशल है, सब कुशल होगा। अपने दिमाग में मत सोचें बिहार ऐसा हो जाएगा, मेरे परिवार का क्या बनेगा, मेरे घर का क्या बनेगा, वो इससे अच्छा मैं अपनी हानि कर लूं। आत्महत्या ही नहीं बल्कि निराशा को अपने अंदर ले आते हैं, और निराशा चिंता बीमारियों को अंदर लेकर आती है। कभी बीपी बढ़ रहा है, कभी बीपी कम हो रहा है, घट रहा है। परमेश्वर के लोगों, मैं परमेश्वर का दास होता हूं, आपसे कहता हूं सब कुशल है। आप कहें सब कुशल है और सब कुशल होगा। हालेलुया, सब कुशल होगा। परमेश्वर के लोगों, जब जेलर आए, हम अपने वचन पर ही चलते हैं, जब जेलर अपनी आत्महत्या करने लगा, जब जेलर अपनी हानि करने लगा, तब परमेश्वर के दास ने कहा अपनी कुछ हानि ना पहुंचा, सब ठीक है, सब ठीक है, यहां पर सब ठीक है, हम सब यही है, सब कुछ ठीक ठाक है। तब वो दिया लेकर अंदर लपका, दौड़ा अंदर गया, और सब ठीक था, और कांपता हुआ पलूस और सिलास के आगे गिरा, और फिर उन्हें बाहर लाके कहने लगा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। उसने और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए, और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। तब उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर अपने आगे, उनके आगे भोजन रखा, और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद मनाया। हालेलुया। हरि बारा साखा बोरो सुख बो।
उसी ही रात सुबह होने से पहले पहले सब कुछ पूरा किया गया, सब कुछ पूरा किया गया, सब कुछ पूरा किया गया। हालेलुया, उनके लिए जो परमेश्वर ने कहा था पूरा हुआ, सब कुछ उनके लिए पूरा हो गया। रात को परमेश्वर मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, रात को ही बपतिस्मा लेते हैं परमेश्वर के वचन को सुनकर। हालेलुया, तो परमेश्वर के लोगों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि उसने, अगर वो परमेश्वर के दास की बात नहीं सुनता, अगर वो परमेश्वर की बात को सुनकर नहीं मानता, तो उसका क्या हाल होता? वो खुद तो मर जाता, लेकिन अपने परिवार के लोगों को जीते जी मार देता। आज अगर आप निराशा में हैं, अगर आप परेशानी में हैं, आप सोच रहे हैं वो सब कुछ नष्ट हो गया इस महामारी के कारण, काम धंधा बंद हो गया, पैसा आना बंद हो गया, घर से दूर हो गए 14 दिन के लिए, कई लोग हमारी पढ़ाई छूट गई, बस हमें सफलता मिलने ही वाली थी, बस मेरा तो वीजा लग गया था, मैं तो अमेरिका कनाडा जाने ही वाला था, मैं तो विदेश में जाने ही वाला था, मेरा तो वीजा लग चुका था और अचानक ये सब कुछ हो गया, मेरा तो बस ऐसा होने ही वाला था, अचानक ये सब हो गया। और इस कारण आप निराशा में हैं और अपनी हानि कर रहे हैं, इस कारण अगर आप रो रहे हैं, परेशानी में हैं, भाई हमारा क्या होगा, हमारी जॉब का क्या होगा, हमारी नौकरी का क्या होगा, हमारी पढ़ाई का क्या होगा, हमारी धन संपत्ति का क्या होगा, हमारे बिजनेस का क्या होगा, परमेश्वर के लोगों, जो मैं आपसे कहता हूं उस पर आप ध्यान दें, सब कुशल है और सब कुशल हो जाएगा। आप मेरी बात को मानिए, यहां पर उन्होंने उसकी बात को माना, उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तू और तेरा घराना उधार पाएगा, प्रभु यीशु पर विश्वास कर तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हालेलुया, आप भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, वो सब कुछ पूरा करेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर जब बलिदान दे रहे थे, कहे तो कहा पूरा हुआ, प्रभु यीशु मसीह आपके लिए सब कुछ पूरा कर चुके हैं और अब भी आपके लिए सब कुछ पूरा करेंगे। आप निराश ना हो, आप पढ़ाई में अव्वल आएंगे, आप टॉप करेंगे, आपको उच्च नौकरी मिलेगी, उच्च अधिकारी आप बनेंगे, आप विदेश जाएंगे, वो योजना नष्ट नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं बिगड़ा अभी तक, कुछ नहीं बिगड़ा, आपका बिजनेस चलेगा नहीं, दौड़ेगा आपका बिजनेस, आपके परिवार में आशीष होगी, आप भी ऊपर कर्जा नहीं रहेगा, आप लोगों को उधार देने वाले बनेंगे। अंधेरे में ही ऐसे ही अपनी जान ना गवाएं, ऐसे ही अपने आप को परेशान ना करें, ऐसे ही अपने आप को निराशा में ना डालें, ऐसे ही अपने आप को बीमारियों को ना बुलाएं, आप बीमारी मुझे पकड़। जब आप निराशा में रहते हैं, जब आप चिंता में रहते हैं, तो बीमारियां घेरना शुरू कर देती हैं, धीरे धीरे सारे शरीर के अंगों को बीमारियां। आप मेरी बात को मानिए, उन्होंने परमेश्वर के दास की बात को माना, उसने कहा पर विश्व पर विश्वास करो तो सब उद्धार होगा। आज भी मैं आपसे कहता हूं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो। दो बातें, पहली बात, अपने आप की कुछ हानि ना करें, अपने आप की कुछ हानि ना करें। दूसरी बात, परमेश्वर के दास ने कही कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो। आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, आपका बिजनेस पहले से भी ज्यादा चलेगा अच्छा। अगर कर्जा है तो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, वो कर्जा परमेश्वर उतारने के सामर्थ्य रखते हैं, वो तो मछली के मुंह से भी सिक्का निकालते हैं। अद्भुत कार्य करने वाले परमेश्वर हैं, वो आपके लिए सब कुछ पूरा करेंगे। अविश्वास करें, आपको परमेश्वर उच्च अधिकारी बनाएंगे। अविश्वास करें, आप स्टडी में टॉप करेंगे। अविश्वास करें, आपका जो वीजा लगा है आप विदेश जाएंगे। सब ठीक है, सब ठीक होगा। अविश्वास करें, पहले तो आप अपनी हानि करना छोड़ें, आप चिंता छोड़ें, निराशा छोड़ें। और जो लोग आत्महत्या का विचार करते हो, इससे अच्छा तो मर ही जाएं, इस विचार को अपने जीवन से निकालें।
इस विचार को अपने जीवन से निकालें, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, सब ठीक होगा, अपनी हानि ना करें, पहली बात। और दूसरी, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह पर, वो आपके रोने को आनंद में बदल देगा। आप सोचिए एक बात को, जब अगर जेलर परमेश्वर के दास की बात को नहीं सुनता, अगर जेलर परमेश्वर के दास की बात को नहीं मानता तो क्या होता, आप जरा सोचो क्या होता, अपने दिमाग में सोचो। अगर जेलर, यहां पर जो दरोगा है, जेलर है, वो बात को नहीं मानता तो क्या होता, तो क्या होता, मैं बताता हूं क्या होता। अगर जेलर परमेश्वर के दास को नहीं मानता, पहली बात को नहीं मानता, तो दूसरी बात तक तो वो पहुंचता ही नहीं। अगर वो परमेश्वर के दास की बात को नहीं मानता तो वो आत्महत्या कर लेता है, वो अपनी जान गवा देता है। और आत्महत्या करने वाले कभी भी स्वर्ग राज्य में नहीं जाते, आत्महत्या करने वाला नरक में जाता है। लेकिन धरती की बात, उस दिन की बात बता रहा हूं, अगर जेलर परमेश्वर के दास की बात नहीं मानता तो वो आत्महत्या कर लेता है। मैं सोचता हूं, एक दिन पहले भी मैं चर्च में बता रहा था इस बात को, तब एक सिपाही दौड़कर जाता, रोता हुआ, चीखता हुआ, क्योंकि रात का समय था, आधी रात के लगभग था यह घटना हुई जो, तो वो रोता हुआ जाता, चीखता हुआ जाता, और जाकर जेलर का जहां घर था, क्योंकि जेलर तो वहीं पर था, लेकिन घर परिवार, तो घर उसका साथ में दूसरी जगह पे था, तो वो सिपाही गेट खड़का रहा है, चीख रहा है, गेट खड़का रहा है उसका, उनका घर का, और उसकी पत्नी, जेलर की पत्नी और परिवार के लोग जागे उठे, क्योंकि उसका एक बड़ा परिवार था, हम लोग यहां से हमें पता चलता है, तो सब परिवार के लोग जागे, भी क्या हो गया, ये रो क्यों रहे हैं, क्यों चीख क्यों रहा है सिपाही, रोने की क्यों, इतनी जोर से गेट खटका रहा है, ठक 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 कर कर। जब गेट खुला होगा उसकी पत्नी ने, जेलर की ने, तो क्या हुआ होगा, सिपाही के मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी, वो चीख रहा था, रो रहा था, उसकी पत्नी पूछ रही होगी फिर क्या हुआ, उसने कहा होगा कि जेलर साहब ने आत्महत्या कर ली। आप जरा ये सोचो कि उस समय उस औरत पर, उस पत्नी पर क्या बीता हो, अगर वो परमेश्वर की बात को नहीं मानता तो ऐसा होता, वो वहीं बेहोश होकर गिर जाती, वहीं पर ही उसके अंधेरा छा जाता आंखों में, जमीन फट जाती उसकी, सब लोग, रिश्तेदार और जो वहां पर थे परिवार के लोग, सब इकट्ठे होते, उस घर में रोना और पीटना होता है और कुछ नहीं। अगर वो परमेश्वर के दास की बात को नहीं मानता तो उसी रात वो घर उजड़ जाता, उसी रात उस घर में रोना और विलाप और पीटना होता, सब लोग रो रहे होते हैं, उसकी पत्नी का क्या हाल होता, उसके बच्चों का क्या हाल होता, उसके माँ जब पिता थे तो अगर, तो उनका क्या हाल होता, उनके भाइयों और बहनों का क्या हाल होता, उनके रिश्तेदारों का क्या हाल होता, जब उसके ससुराल में खबर जाती कि ये ऐसी घटना हुई है तो उनका क्या हाल होता, क्या कहते वो हमारी बेटी विधवा होगी, कैसे रोना चीखना और चिल्लाना होता वहां पर। लेकिन ये सारा रोना, ये सारा चीखना और चिल्लाना और विलाप, जिंदगी भर का विलाप, एक बात से खत्म हुआ जब उन्होंने परमेश्वर के दास की बात को मान लिया। जब परमेश्वर के दास को बात को माना, सब कुछ बदल गया, सब कुछ बदल गया। उस रात अगर वो परमेश्वर की बात को नहीं मानता और आत्महत्या कर लेता है, तो सब लोग सुबह अधिकारी इकट्ठे भी होते,
सब लोग इकट्ठे होकर कहते किस लिए इसने आत्महत्या की, वो कहते इसने इसलिए की इसने सोचा के कैदी भागे हैं। तो कैदियों की गिनती करते, अरे कैदियों तो सारे अंदर ही हैं, तो कैसे इसने आत्महत्या कर ली, बस ऐसे ही दिमाग में फालतू सोचकर उसने ऐसे समझ लिया, बस ऐसा हो गया है, दिमाग में फालतू फतूर भरा था, दिमाग में ऐसा ही बातें सोचकर उसने कहा ठीक है इससे अच्छा मैं मारी जाऊं। परमेश्वर के लोगों, बाद में भी उसके घर वाले, अगर वो परमेश्वर की दास की बात को नहीं मानता तो घर वाली रोती है चीखती है और लोग पूछते हैं क्या हुआ तेरे पति को, क्या हुआ, क्यों उसने आत्महत्या कर ली थी, और वो कहती बस ऐसे ही कर ली, अंधेरे में कर ली, उसने सोचा कि कैदी भाग गए हैं, लेकिन कैदी तो वहीं थे। सब लोग क्या कहते हैं, अरे मूर्ख ऐसे बेकार में जान गल अपनी खत्म कर दी, ऐसी बातें करते। परमेश्वर के लोगों, जब उसके बच्चे बड़े होते उनकी शादियां होती तो भी वो याद करती उसको, और सब लोग कहते ऐसे इसने अपनी जान खराब कर ली, ऐसे इसने अपने आप को बर्बाद कर लिया, ऐसे इसने अपने आप की हानि कर ली, सब तो ठीक था, लेकिन एक परमेश्वर की बात मानते ही उसके जीवन में बदलाव आ गई। हालेलुया। और दूसरी बात जब उन्होंने कही कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तब उसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। जैसे ही प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया तो क्या हुआ, वहां लिखा है 34 वचन लिखा है, तब उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा, सब लोग खाना खा रहे हैं। अगर वो परमेश्वर की दास की बात को नहीं मानता तो क्या वो खाना खाते घर में, उनका खाना छूट जाता कितने समय तक, क्योंकि वो तो रोते और पीटते हैं। आगे लिखा है और सारे घराने समेत, इसका मतलब बड़ा परिवार था उसका और वो वहीं पर था, सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। हालेलुया। सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया, उसने सारा घराना आनंद मना रहा है, जेलर आनंद मना रहा है, उसकी पत्नी आनंद मना रही है, उसके बच्चे आनंद मना रहे होंगे, उसका घराना आनंद मना रहा है। हालेलुया। यहां लिखा हुआ है आनंद किया, आनंद किया। अगर वो बात परमेश्वर के दास की नहीं मानता तो आनंद किया नहीं लिखा होता, आनंद किया नहीं होता, आनंद नहीं होता, विलाप होता, विलाप होता। अगर वो परमेश्वर के दास की बात नहीं मानता और वो आत्महत्या करता, अगर वो आत्महत्या करता तो वो आत्महत्या करके मर जाता, मर जाता तो उसके घर में उसी रात रोना होता, विलाप होता, विलाप होता, रोना होता, चीखना होता, चिल्लाना होता। लेकिन यहां तो लिखा है सारे घराने समेत आनंद किया, आनंद कर रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, गीत गा रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। हालेलुया। अरिबारा सखा बरो बरो सुखो बनिसा, सब पवित्र आत्मा में आशीषित हो गए, रात को ही बपतिस्मा ले रहे हैं, कितनी आनंदित बात है, रात को ही बपतिस्मा लिया उन्होंने, हालांकि उनके जख्म थे। लिखा है रात को उसी घड़ी 33 वचन में उसने उन्हें ले जाकर अपने उनके घाव धोए और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। हो रे बरसा बरसा खबा, परमेश्वर के दास की बात मानने से उन्हें मुक्ति मिल गई। कहां तो वो आत्महत्या करके नरक में जा रहा था, कहां उसे जीवन मिल गया। हालेलुया। उसे अनंत जीवन मिल गया, उसे स्वर्गीय जीवन मिला, उसके पाप क्षमा हो गए। जब उसने परमेश्वर के दास की बात को माना, सबसे पहले उसके पाप क्षमा हुए। जब उसने परमेश्वर की दास की बात को माना, उसकी आत्मा में बदलाव आ गया। हो रही बारा साखा। और जब उन्होंने बपतिस्मा लिया, उनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे गए, ओ अनंत जीवन को उन्होंने पा लिया, उनका मेल परमेश्वर के साथ हो गया। जब परमेश्वर की दास को बात को माना तो परमेश्वर के साथ उनका मेल हुआ, उसके परिवार के पाप माफ हुए, वहां आनंद है, वहां शांति है। जब
जब वो आत्महत्या करने वाला था, परमेश्वर के दास ने कहा ना ना अपनी कुछ हानि ना कर, सब ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ। तो वो दौड़कर अंदर गया और उनके पास गया, जब तो कहता है मुक्ति पाने के लिए मैं क्या करूं। उन्होंने कहा पर विश्व पर विश्वास कर, तू और तेरा घराना उधार पाएगा। तो उन्होंने 32 वचन में, और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया, कैसे सुनाया? उसी समय मैं सोचता हूं उसी समय एक सिपाही दौड़ा, जेलर ने भेजा होगा घर पे फटाफट इन लोगों के लिए खाना बनाना है और ये घटना हुई है और ये ऐसा ऐसा करके हुआ है और हम घर पर आ रहे हैं। तो ऐसी बात जब उसने कहा होगा कि घर में सूचना दो और वो घर के लोग यहीं आ जाएं, तो हो सकता है वहीं पर आए हुए हों, क्योंकि पहले उनको वहीं यहीं बुला लिया हो अपने घर के लोगों को और उन घर के लोगों ने वचन सुना हो, क्योंकि यहां 32 वचन लिखा है। उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया और 34 में लिखा हुआ है तब उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर, तो हो सकता वहीं पर बुला लिया हो। लेकिन जो मैं आपसे बात कहना चाहता हूं, तो एक सिपाही दौड़ा घर पे उनके और रात को आधी रात को गेट खटखटा रहा है ठक ठक ठक, तब वो कहते होंगे आज आधी रात को कौन है, कौन आवाज लगा रहा है, कौन गेट खटखटा रहा है। उसकी पत्नी उठी होगी और उस जो उसके पहचान का सिपाही था उसने कहा होगा कि ऐसे ऐसे करके भूकंप आया था जेल में और ऐसी बात हुई थी, वो आत्महत्या करने वाले थे जेलर साहब हमारे साहब, और परमेश्वर के दास ने कहा नहीं ऐसा मत कर, सब ठीक है, और उसके बाद ऐसा हुआ और अब वो घर पर भी आने वाले हैं, वो परमेश्वर के दासों को लेकर आपके घर पर आने वाले हैं। तो जेलर साहब ने कहा आप तैयारी करो उनके लिए खाने वगैरह का इंतजाम करो। हालेलुया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि संदेशा लेकर सिपाही उनके घर जाता ही जाता, अगर वो परमेश्वर की बात को परमेश्वर के दास की बात को नहीं मानता तो संदेशा लेकर जाता कि जेलर साहब मर गए हैं, आत्महत्या कर ली है। अगर परमेश्वर की दास की बात को मान लिया तो अब जा रहा है सिपाही उसके घर पर और गेट खटखटा रहा है कि परमेश्वर के दास आपके घर पर आने वाले हैं, इतना बड़ा चमत्कार हुआ है, इतनी बड़ी आशीष आपको और आपके परिवार को मिलने वाली है। हालेलुया। पूरी बारा बारा बासा खबा, सारे परिवार को वचन सुना, सब परिवार ने, सारे परिवार ने रात को ही बपतिस्मा लिया। कुछ लोग कहते हैं साल बाद लेना चाहिए, दो साल बाद बपतिस्मा लेना चाहिए, लेकिन बाइबल कहती है जब आप विश्व पर विश्वास करें उसी समय बपतिस्मा ले सकते हैं। सो तुरंत बपतिस्मा लिया इन्होंने परिवार के साथ और खाना खाया और आनंद मलाया। हालेलुया। पूरा बारासा बारासा खबनो मोतबरो रबो। परमेश्वर के लोगों आत्मिक तौर पर भी कितना कुछ बदला। अगर वो परमेश्वर के दास की बात को नहीं मानते तो वो कभी भी उनके पाप क्षमा मैं सोचता हूं शायद ना होते, कम से कम उस समय तो नहीं होते, फिर किसी परमेश्वर के दास की बात मानते तब होते। उन्होंने परमेश्वर के दास की बात को मानना तो उनके पाप क्षमा हुए, उन्होंने परमेश्वर के दास की बात को माना तो उनका मेल सच्चे एकमात्र अद्वैत परमेश्वर से हुआ, उन्होंने परमेश्वर की बात को माना तब उन्हें मार्ग सत्य और जीवन का पता चला जो परमेश्वर मसीह है, उन्होंने परमेश्वर के दास की बात को माना तब परमेश्वर के अभिषेक को पाया, सामर्थ को पाया, उद्धार को पाया, परमेश्वर को प्रेम को पाया। हालेलुया। सो आप से मैं परमेश्वर का दास हुआ हुआ कहता हूं दो बातें। पहली बात, अपने आप की हानि ना पचा, अपने दिमाग में ऐसे कुलज कर दुखी न मत हो, सब ठीक है, सब ठीक है। इस महामारी के कारण जो होना था बीतना था बीत गया, अब बस अपने आप को दुखी मत कर, अपने आप परेशान मत हो इन बातों को लेकर, सब ठीक है, सब ठीक होगा। मैं परमेश्वर का दास आपसे कहता हूं सब ठीक होगा, आपके लिए सब ठीक होगा। और दूसरी बात जो थी कि परमेश्वर मसीह पर विश्वास कर, परमेश्वर मसीह पर विश्वास करें आप। अगर आप परमेश्वर मसीह पर विश्वास करते हैं
तो आपके रोने को परमेश्वर से खुशियों में बदल देंगे। परमेश्वर का वचन कहता है उसने हमारे विलाप को नृत्य में बदल डाला, विलाप को नृत्य में बदल डाला, जन के रोने को नाचने में बदल डाला। कहता हम रो रहे थे, ओ हाय हाय हाय, ये मंदी के कारण ये हो गया, वो हो गया, हाय हमारा बिजनेस डाउन हो गया, हमारा काम बंद हो गया, हम क्या खाएंगे क्या पियेंगे, कहां वो नाचने में बदल डाला। हालेलुया। सो आप परमेश्वर के दास की बात को समझे, बात को माने, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, ऐसे अपने दिमाग में सोचकर हानि ना उठाएं। सो परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दें, परमेश्वर आपके साथ रहें। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। जीवित परमेश्वर मैं आपके चरणों में आता हूं, मेरे प्रभु के प्रभु राजा पर विश्व मसीह जी, इन लोगों को आपके हाथों में सौंपता हूं मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु यीशु मसीह जी, आप आज इनसे बात करते हैं और आप कहते हैं कुछ नहीं बिगड़ा, सब ठीक है, सब कुशल 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 हो जा, सब कुशल हो जाएगा, सब कुशल होगा। ओरी बाला साखा बाबा राबा, अपने अंधेरे में ही अपनी जवान अपनी जान ना गवा। रे बारा साखा बा री बिनिमिति बे री शिखा रासो बनो मोत बोरो रोबो जीसस री बाना माता बाबा रासा खलमा। आप परमेश्वर के दासों की बात को माने, परमेश्वर के दास जो आपसे कहते हैं, आप परमेश्वर मसीह पर विश्वास करें, आपका जीवन बदलेगा, आपका घर बदलेगा, आप फिर ऊंचाइयों पर उड़ेंगे, आप उच्च अधिकारी बनेंगे, आप विदेश की यात्रा करेंगे, आप विदेशों में जाएंगे, आप जो आर्थिक मंदी थी वो आर्थिक मंदी से आप बाहर निकलेंगे, आर्थिक मंदी आपके पांव के नीचे होगी, कर्जा आपके पांव के नीचे होगा, आप लोगों के उधार देने वाले बनेंगे। स्टडी में भी आप आशीष पाएंगे, हर बातों में आप बढ़ेंगे, फलेंगे, फूलेंगे। यहोवा परमेश्वर, रहबोध का परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, परमेश्वर आशीष करेगा। मेरे परमेश्वर पिता, इन लोगों पर दया करें मेरे प्रभु जी, इन लोगों को ऊंचाइयों पर लेकर जाएं प्रभु जी, हर एक कमी घटी को दूर करें, सब ठीक है इनके लिए पिता परमेश्वर, सब कुछ कुशल से है इनके लिए मेरे प्रभु जी। इनके घरों में कोई भी उदासी ना हो, इनके घर में कोई भी निराशा ना हो, इनके घर में कोई भी चिंता ना हो, क्योंकि इनकी चिंता आप करते हैं मेरे परमेश्वर जी। सारी अंधकार की ताकतों को मैं नष्ट करता हूँ, सारे दुष्ट आत्मा की ताकतों को मैं नष्ट करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से चंगाई मिले, यीशु मसीह के नाम से आराम मिले प्रभु जी। इनमें से कोई भी बीमार है, यीशु के नाम से बीमारी तुझे आज्ञा देता हूँ, इन शरीरों को छोड़ निकल, बीमारी यीशु के नाम से निकल, पांव से लेकर सिर तक की हर एक बीमारी प्रभु यीशु के नाम से निकल, प्रभु यीशु के नाम से निकल, सारी गांठे प्रभु यीशु के नाम से निकले, गांठे प्रभु यीशु के नाम से निकले, पथरियां प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर हो, प्रभु यीशु जी ने चंगाई दो, प्रभु यीशु मसीह जी ने छुएं, अपनी पुत्र आत्मा से भरे, अपने सामर्थ्य से भरे, अपने सामर्थ्य 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 से भरे प्रभु यीशु। ओरी बाला बाबा रसा खा बाबा हेरे बेरे रे बेरे रे बेत गेरे रे बिशेदा बाला बारा रबा इंदारा बारा रबा बरी दे बिने नी मितेरे बेत गेरे रे बिशेदा बार नमा। इनके घरों के हालात बदलें, इनके घरों के हालात बदलें, इनके घरों से रोना दूर हो, इनके घरों पर आशीष आ जाए, इनकी स्टडी पर आशीष आ जाए, ये उच्च अधिकारी बने, ये विदेश में जा सके प्रभु जी, इन्हें सफलता दो, इन्हें सफलता दो, सफलता दो। हर एक बंधन को मैं तोड़ता हूँ, हर एक नशे की आत्मा को दूर करते हैं प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से छुटकारा मिले, प्रभु यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा से छुटकारा मिले, प्रभु यीशु के नाम से जादू तबीज की ताकतों से छुटकारा मिले, प्रभु यीशु के नाम से आशीष हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीष हो। पांव से लेकर सिर तक की हर एक बीमारी तुझे आज्ञा देता हूं, इन शरीरों को छोड़ और निकल जा, ऐसी सारी बीमारी प्रभु यीशु के नाम से तुझे कहता हूं, इन शरीरों को छोड़ और निकल, निकल प्रभु यीशु के नाम से निकल सा। रिपारा सखा भरोसो को, जो लोग प्रभु जी आपकी पवित्र आत्मा को पाना चाहते हैं, मेरे स्वर्गीय परमेश्वर पिता
अपने पवित्र आत्मा को ढेले इनके जीवन में, अपनी सामर्थ को ढेले इनके जीवन में, अपने पवित्र आत्मा को ढेले इनके जीवन में प्रभु जी, अपनी सामर्थ्य ने भर दें। और ये बारा साखा बाला साखर नमा, जो कुछ भी ये मांगते हैं पर यीशु मसीह के नाम से वो पूरा हो, जो कुछ भी ये मांगते हैं पर यीशु के नाम से पूरा हो। रब रब रसखबरसा रिबनी सिखिरि में इन्हें बल दे, इन्हें इन्हें आर्थिक संकट से बाहर निकालो प्रभु जी, इनके धन संपत्ति पर आशीष करो, इनके धन संपत्ति पर आशीष करो। ओ सी सराबा सखर रब्बा, प्रभु जी अगर ये मजदूर हैं जहां कहीं रास्ते में भटके हुए हैं, जहां अपने गांव की ओर जा रहे हैं और रास्ते में बसों में जा रेलगाड़ी में जा पैदल सफर कर रहे हैं, मेरे परमेश्वर इनकी मदद करो, मेरे परमेश्वर की मदद करो कि ये अपने घर तक पहुंच सकें, इनकी सहायता करो परमेश्वर जी, सारे इंतजाम करो। सारा आदर महिमा मैं आपको देता हूँ स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रार्थना मांगता हूँ। आमीन 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 आमीन।